Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a makeup video. अब क्योंकि बहुत सारे ना festivals आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक makeup video करती हूँ. Makeup मेरा basic ही मैं रखूंगी लेकिन I have changed my makeup kit. Almost सारे products मेरी kit में change हो चुके हैं. जो अभी तक आप लोग मुझे बहुत repetitive देखते थे makeup use करते हुए वो सारे almost change हो चुके हैं. I was trying a lot of new product from a very long time, from last at least 3-4 months and finally मैंने एक अपनी जो भी मेरे यू नो फेवरेट प्रोडक्ट्स निकले उसमें से जो मेरे लिए बेस्ट वर्क किए वो सबके साथ अब मेरी फाइनली एक न्यू किट तैयार हो चुकी है. सो हैप्पी विद माय करंट मेकअप किट नाउ. दिस इज द मेकअप किट जिसमें मेरे सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं तो मैं सारे पहले प्लेस कर लेती हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके तो सबसे पहले मेकअप की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता है आई एम वेरी सीरियस फॉर माय स्किन केयर. ऑन मोस्ट ऑफ द डेज जब नहीं होती हूँ तो एक हल्का सा बस एक मॉइस्चराइजर लगा के चली जाती हूँ. बट नाउ आई हैव बिकम वेरी सीरियस विद माय स्किन केयर. मेरा स्किन केयर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है. एडिशंस हुए हैं बट चेंज कुछ खास नहीं हुआ. बट मेकअप में बहुत सारे आप चेंजेस देखोगे. तो फर्स्ट है ये जूसी केमिस्ट्री का लेवेंडर वाटर जिसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करूंगी, साथ ही साथ नेक पे भी करती हूँ. अब इसको मैं अपने फेस के अंदर थोड़ा सा यू नो जाने दूंगी एंड आई विल गिव इट अ मिनट और सो. वंस इट्स गॉन इनसाइड कम्प्लीटली देन वील मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ वो है लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. बिल्कुल ही वाटर कंसिस्टेंसी का है, लाइक लिटरली लगेगा पानी लगा रहे हो अपने फेस पे. बट आई रियली थिंक दिस हैज वर्क्ड सो वेल फॉर मी. आई हैव बीन यूजिंग दिस कंटिन्यूअसली. Now this also I'll let my skin soak and then we'll move on to the next product. Okay, so the next product is Plum Mandarin and Vitamin C Serum. ये भी मैंने बहुत serious होके अपनी skin care के अंदर include कर लिया है और Vitamin C is really really important for you. So I do this 5 steps का skin care and then I start my makeup. Again I take all my products to my neck. ओके मूविंग ऑन टू मॉइस्चराइजर. नाउ आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस. अच्छा लग रहा है तो इसलिए इसी को अब मैं यूज कर रही हूँ. अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो मैं कहूंगी कि आप स्टिक करो अपने वही डॉट एंड की वाले मॉइस्चराइजर के साथ, अगर आप लोगों ने मुझे देख के वो लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम से ऑयली इफेक्ट दे देता है. मेरे को चलता है बिकॉज मेरी काफ़ी नॉर्मल स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो बहुत ऑयली भी नहीं है. बट हाँ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहेगा. ओके नाउ वंस दिस इज डन देन आई गो टू माई सनस्क्रीन, जिसके लिए आप सब लोगों को पता है मैं बिल्कुल सीरियस नहीं होती हूँ. मैं बहुत कम लगाती हूँ सनस्क्रीन बट अब मैंने लगाना शुरू कर दिया. ये शेरिल ब्रांड का है मेरे पास, शेरिल्स कॉस्मिक्यूटिकल्स. इसका स्प्रे थोड़ा ख़राब है तो मैं इसको अंदर से निकालती हूँ. ये बिल्कुल पानी जैसी कंसिस्टेंसी का है तो इसलिए स्प्रे करना सही रहता है. बट क्योंकि इसका स्प्रे ख़राब हो चुका है तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ सीधा. सो दिस इज द लास्ट स्टेप दैट आई डू फॉर माई फेस केयर. इसके बाद आई जस्ट पुट माई लिप बाम एंड देन वी आर डन विद द स्किन केयर. ओके द लास्ट स्टेप वुड बी पुटिंग अ लिप बाम and then I'll leave my face like this for 5 minutes and then I'll start my makeup. Okay, so अब देख रहे हो face कितना hydrated लग रहा है एकदम से. So just make sure makeup शुरू करने से पहले most important है skin care अच्छे से करो. भले आपकी skin oily है, dry है, medium है, skin care आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. नहीं तो foundation, concealer सारे ना बहुत dry बैठते हैं आपके face पे, फिर वो rough patches दिखते हैं आपके face पे. Okay, now let's start with the makeup. तो सबसे पहले primer के लिए अब आजकल जो मैं use करने लग गई हूँ and I'm really enjoying is the K Beauty का primer. This is their color correct प्राइमर. अगर आपके बहुत ज्यादा बुरा हाल है पिगमेंटेशन का, जो मेरा अब नहीं है, एटलीस्ट करंटली नहीं है, तो तब आप ये यूज कर लो. अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो फिर आपको प्रॉपर एक कलर करेक्शन वाला स्टेप करना पड़ेगा. बट मेरे साथ अभी वो सीन नहीं है तो इसलिए मैं ये कलर करेक्टिंग प्राइमर लेती हूँ. अ लिटिल बिट आई हैव टेकन एंड आई एम अप्लाइंग इट स्टार्टिंग विद माई टी जोन और फिर बाकी का मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ. प्राइमर हो गया, नाउ आई विल डू माई फाउंडेशन. ये है के ब्यूटी का फाउंडेशन, इसका शेड है 140P मीडियम. इसके मैं दो पंप्स ले रही हूँ सिर्फ. इसको अपने सारे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ. ऑलवेज स्टार्ट विद लेस, बहुत ज्यादा फाउंडेशन भरिए नहीं. अगर आपको लगता है और जरूरत है आपको फाउंडेशन लगाने की तो भले दोबारा ले लेना, बट डोंट स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, ऑलवेज बिल्ड इट अप. अभी एक वेट स्पॉन्ज ले रही हूँ मैं, ब्यूटी ब्लेंडर जिसे हम कहते हैं, और उससे मैं इसको
ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है, ये मीडियम कवरेज है, बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। थोड़ा जो भी स्पंज पे मेरे बचा हुआ है वो मैं नेक पे भी लेके जा रही हूँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू द कंसीलर, जिससे मैं अपने डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, ये सब कवर करूंगी। नाउ यू गाइस हैव सीन मी फ्रॉम लास्ट आई थिंक 5 years, आई हैड बीन यूजिंग शुगर का कंसीलर इन द शेड 45 कॉन पैना। नाउ दैट कंसीलर आई थिंक हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं कंसीलर अब चेंज ही कर लेती हूँ, इट्स हाई टाइम। तो मैंने 2-3 कंसीलर ट्राई किए, उसमें से जो मेरा फेवरेट बना वो था ये मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर। तो इससे मैं अब अपने सारे जो भी डार्क स्पॉट्स अगर कोई है, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, वो सब कवर करूंगी। अभी मैंने जहां जहां पे इसको लगाया है ना, वहीं वहीं पे मैं इसको ब्लेंड करूंगी, लाइक हाउ आई वाज डूइंग विद फाउंडेशन ना, मैं उसको ड्रैग भी कर रही थी, सब जगह लगा रही थी। दैट्स समथिंग वी डोंट डू विद द कंसीलर। कंसीलर को हम वहीं वहीं पे लगाते हैं जो हमारे टारगेटेड एरियाज होते हैं, जहां हमने उसे अप्लाई किया है वहीं पे ब्लेंड करना है, नहीं तो आपका फेस बहुत ड्राई और केकी लगेगा। ओके डन, अब मैंने एक तरीके से कलर करेक्शन सारा हो गया है फेस पे, सारे स्पॉट्स वगैरह छुप गए हैं। अब मैं जिस कंसीलर के साथ जा रही हूँ वो है मेबलिन फिट मी कंसीलर। नाउ दिस आई हैव नॉट चेंज्ड, आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस स्टिल स्टेज। अब इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। अब हम इसको भी वैसे ही ब्लेंड करेंगे वहीं वहीं पे जहां पे हमने लगाया है। नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ द क्रीम प्रोडक्ट्स, जिसके लिए अब मैं यूज़ करने लग गई हूँ लूज़ पाउडर। मैं बहुत सालों पहले, मतलब 3-4 साल पहले भी लूज़ पाउडर बहुत यूज़ किया करती थी, बीच में बस मैं ऐसे ही छूट गया तो छूट गया, बट आई एम फाइनली बैक टू यूजिंग अ लूज़ पाउडर एंड फिक्सिंग द कंसीलर सबसे पहले। तो जो आजकल मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो है ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर। ओके, तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है, अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को जब भी आप सेट करने वाले हो ना, तो वो जो डब्बा खोलने में, ब्रश उठाने में, स्पंज उठाने में वो जो टाइम जाता है ना, उतने में क्या होता है आपकी क्रीम प्रोडक्ट्स हो सकता है वापस से क्रीज कर गए हैं, बिकॉज यू आर मूविंग अलॉट, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, रिंकल्स वगैरह वाली लाइन्स पड़ गई हैं। तो क्या करो, लूज पाउडर लगाने से पहले, फाइनली व्हेन यू आर रेडी, उससे पहले वापस से गो इन विद योर स्पंज और योर ब्रश, वॉट एवर यू यूजिंग, और स्पेशली आईज के नीचे इसको अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि एक बार आपने अगर लूज पाउडर लगा लिया उसके ऊपर, वो फिर आप क्रीजिंग को ठीक नहीं कर पाओगे। तो अब जब मैंने कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग इन विद माई लूज पाउडर एंड फिक्सिंग दिस। यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी, कट मारूंगी, बट वो लेटर मारूंगी, वो आपको पता चलेगा क्यों। सो दिस इज डन, नाउ आई लीव इट लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग ऑन विद माई कॉम्पैक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस। कॉम्पैक्ट के लिए अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है शुगर का ड्रीम कवर SPF 15 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट। अब मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, पाउडर ले रही हूँ, जहां जहां पे हमने लूज पाउडर लगाया है उस जगह को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, बाकी जगहों पे थोड़ा सा मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब इसी को मैं थोड़ा सा अपनी नेक पे भी लूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग कॉन्टोरिंग, लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं वापस लेके आऊंगी। उसके लिए मैं पहले, आप लोगों को याद है, शुगर का एक प्रोडक्ट यूज कर रही थी जो मैंने अगेन कुछ 4-5 साल यूज किया है। नाउ आई हैव लेफ्ट दैट प्रोडक्ट। कहीं पे देखोगे यूज करते हो तो सिर्फ इसलिए देखोगे क्योंकि मुझे खत्म करना है उस प्रोडक्ट को। तो इस बार जब हॉट पिंक सेल हुई थी तो मैंने जो सामान अपने लिए खरीदा था उसमें ये भी था, काफी हाइप्ड प्रोडक्ट है ये। ब्रांड का नाम है द बाम, उनका बहामा मामा ब्रॉन्जर है ये। छोटी वाली पैकिंग ली थी कि पता नहीं पसंद आया नहीं आया, और ये थोड़ा लक्स प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, बट I really liked it, इसलिए obviously I put it in my kit. इसका fallout definitely बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा product एकदम से आपके brush पे आ जाता है, that's the only drawback. अभी मैं इसको कहाँ लगाऊंगी? Squeeze in. अब जो ये line निकल के आई है ना, that's where you put your bronzer. जब भी आप brush पे fresh product ले रहे हो ना, don't put it here, okay? Always put it here. एंड देन कम डाउन सो दैट मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ लगे, यहाँ ना लगे। यहाँ पे ब्लेंड करना और कम करना प्रोडक्ट को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आपकी चिन पे थोड़ा फैट है तो वो भी थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो जाता है इससे, तो वो थोड़ा सा कम दिखता है। मेरे भी है तो इसलिए आई ऑल्सो डू दिस। उसके बाद नेक्स्ट मैं लगाती हूँ थोड़ा सा फोरहेड पे, लास्ट में लगाती हूँ अपनी नोज पे। इसके लिए मैं एक्सेस रिमूव करूँगी, बहुत जो हल्का सा लगा होगा उसी को यहाँ पे लगाऊंगी। डन, अब बारी आती है जो लूज पाउडर हमने लगाया उसे रिमूव करने की। उससे पहले मैंने आपको याद होगा बताया था कि मैं लूज पाउडर यहाँ पे भी लगाऊंगी, अब लगाऊंगी, ठीक है? अब आपको समझ आया क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, ये भी जो मैंने कॉन्टोर किया है ना वो भी एकदम से शार्प हो जाएगा। सी हाउ, अब एक प्रॉपर आपको लाइन मिल जाएगी। अब हम बाकी का लूज पाउडर रिमूव कर देंगे, ये मैं एंड में रिमूव करूंगी।
नाउ ब्लश और हाइलाइटर के लिए मैंने जो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है मार्स का, ये आप लोगों ने पहले देखा हुआ है यूज मुझे करते हुए, बट आई फॉलन इन लव विद दिस प्रोडक्ट क्योंकि बहुत ही, एक तो रिजल्ट तो सुंदर है ही, प्लस दो प्रोडक्ट्स का काम एक ही प्रोडक्ट में हो गया, तो आप लोगों को डबल पैसे खर्चने की बजाय आपका इसी में काम हो जाएगा। और ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस प्रोडक्ट है, मार्स के सारे प्रोडक्ट्स हम सबको पता है बहुत रीजनेबली प्राइस होते हैं, और ऊपर से दो प्रोडक्ट्स का काम एक ही में हो रहा है, बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है, बट एट द सेम टाइम ओ माई गॉड लुक एट दिस। थोड़ा सा ये नोज पे भी मैं लेके आती हूँ। ओके डन, अब मैं ये रिमूव कर सकती हूँ, मैं थोड़ा और टाइम रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, बट लेट्स जस्ट रिमूव इट। एक्चुअली ना लाइन मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये आपको लाइन यहाँ से ला के ये अपनी लिप के पास यहाँ मिलानी चाहिए। नाउ आई गिव इट 5-10 सेकेंड्स एंड देन विल रिमूव। ओके उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस शेड फ्रॉम द पैलेट और इसको मैं अपने लिड पे लगाऊंगी। अगेन यहाँ पे भी अगर कोई क्रीज पड़ गई है फिक्स इट फर्स्ट एंड देन पुट योर आई शेडो। तो काफी बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश है ये, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, उस पर मैंने हल्का सा ये कलर लिया है और अपने क्रीज पे लगा रही हूँ, सेम नीचे भी लगा रही हूँ थोड़ा। नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश, अब मैं एक थोड़ा सा डार्कर शेड ले रही हूँ ये वाला, और उसको थोड़ा अपने हैंड को लिमिट करके क्रीज के अंदर लगा रही हूँ, नीचे भी लगा रही हूँ। अब हमारी क्रीज रेडी हो गई है। इसी पैलेट में एक बहुत ही सुंदर ऐसे गोल्डन शेड है, उसको मैं ले रही हूँ अपनी फिंगर पे और अब मैं अप्लाई करूँगी। ये लगा लिया, अभी वापस से मैं जो मेरा बारीक वाला ब्लेंडिंग ब्रश है उससे थोड़ा सा इसके एंड्स को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। लेट मी क्विकली डू द अदर आई एंड गेट बैक टू यू। वी आर डन विद बोथ द आईज, अब हम मूव ऑन करेंगे आईलाइनर पे। मैं लिक्विड आईलाइनर नहीं कर रही हूँ इस लुक के लिए। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना जस्ट टेक एन एंगल्ड ब्रश और इसी आई शेडो पैलेट में से एक मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ और उससे मैं अपना आईलाइनर बेसिकली एक क्रिएट करूंगी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को लिक्विड आईलाइनर लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। डूइंग द सेम थिंग विद माय अदर आई, डोंट डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, ऐसे डैब करना है अंदर अंदर, ज्यादा पे ऑफ भी मिलेगा, कलर अच्छे से दिखेगा और नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द आईब्रोज, अगेन आपको अलग से ऐसे प्रोडक्ट लेने की बहुत जरूरत नहीं है, यू कैन मेक इट वर्क समहाउ फ्रॉम द आई शेडो पैलेट। मैं वही करूंगी आज की लुक के लिए। आई हैव द ब्लैक शेड, साथ में ब्राउन शेड भी है, तो मैंने हल्का सा इसमें डिप किया और इसमें डिप किया एंड देन आई विल डू माय आईब्रोज। See the difference between both the eyebrows. थोड़ा जो डिफरेंस देख रहे हो मेरी आईब्रोज में वो एक्चुअली वो डिफरेंस है, मेरी आईब्रोज में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ऊपर नीचे है, बट वी जस्ट गोना इग्नोर दैट। तो आगे बढ़ते हैं, अब मस्कारा वगैरह लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि हम इस मेकअप को फिक्स कर लेते हैं पहले। तो ये मार्स का स्टील द डील मेकअप फिक्सर है, सो जस्ट गोना स्प्रे दिस ऑल ओवर माई फेस। यू कैन ईदर लेट इट ड्राई और जस्ट टेक दिस स्पंज पुश इट इन। ओके सो जो मस्कारा के लिए मैं आजकल अब यूज़ कर रही हूँ वो है ये वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज वाटरप्रूफ मस्कारा फ्रॉम लॉरियल। बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा था, पता नहीं क्यों कभी यूज़ नहीं किया था, और यूज़ किया तो मुझे बिल्कुल वो जो के ब्यूटी का मस्कारा ना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ये मुझे उसके टक्कर का लगा। सबसे पहले ऊपर लगा लो तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ऊपर जब यूज़ हो जाएगा, उसके बाद वॉन्ड पे जब थोड़ा सा प्रोडक्ट ही बचेगा उसको आप नीचे लगाओ। यू नो यही छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं जो हमारे मेकअप लुक को ख़राब करती हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि यार क्या ख़राब हुआ है, मेकअप अच्छा क्यों नहीं हुआ है, या जिसका हमने ट्यूटोरियल फॉलो किया ऐसा क्यों नहीं हुआ है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके डन, सो लिप लाइनर के लिए आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माय शुगर का लिप लाइनर व्हिच इज लिपिंग ऑन द एज लिप लाइनर इन द शेड टैन फैन। इससे मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूं। अब अंदर फिल करना है हमें, तो जो लिपस्टिक मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ आजकल ये के ब्यूटी की है इन द शेड स्नैपशॉट। So yeah guys, this is the complete makeup look. I'm just gonna put some sindoor, wear a bindi and show you guys the final look.
So yeah guys, this is it. This is the final look. I really hope that you guys enjoyed watching this look, and I really hope that you guys learned something out of this video. If you did, let me know in the comments what was that tip. बहुत ही simple look है, इसको आप किसी भी festival पे spot कर सकते हो, घर पे भी हो तो भी बहुत ज्यादा loud भी नहीं है, और किसी के यहाँ पे जा रहे हो तो it's not very basic also. It's a I think nice mix. So yeah, this is it. I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.